हेलो, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और ए बॉडी। मोशन हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा रेडलिनियर मोशन है, दूसरा हमारा पीरियोडिक मोशन है। अगर हमारी ऑब्जेक्ट या बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ को अडॉप्ट करती है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट या बॉडी किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल है आपकी, दैट इज सिंपल पेंडुलम, और गैलीलियो गैलीली ने एक कंसेप्ट दिया था कि टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम के पीरियोडिक मोशन का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन वो जितना टाइम मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेता है, दैट इज एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पोजीशन, जितना टाइम एक बार लेगा वो हर बार उतना ही टाइम लेगा, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू दी डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक, और इसी से हमारे पेंडुलम क्लॉक की भी डेवलपमेंट हुई। जब भी हम मोशन को पढ़ेंगे उसमें हम तीन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब स्पीड क्या है? स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। सो स्पीड का यह फॉर्मूला रहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड आपकी चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड आपकी कांस्टेंट है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म कब होगा? जब आपकी कांस्टेंट स्पीड होगी। और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? जब उसमें स्पीड में वेरिएशंस हैं। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज स्पीड इज सेम एज द एक्चुअल स्पीड। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करो तो आपकी एवरेज स्पीड जो होती है हमेशा एक्चुअल स्पीड के बराबर आएगी, क्योंकि हमारे जो भी आप इंटरवल ऑफ टाइम लेते हो जब आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो आपकी स्पीड हमेशा सेम ही रहेगी। तो जब उसका एवरेज लोगे तो वो आपका जो एवरेज रहेगा वो एक्चुअल स्पीड के बराबर आएगा। इसमें ये एक ग्राफ शो किया है जिसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में। इसमें अगर आप चेक करो फर्स्ट 20 मिनट्स के लिए, फ्रॉम 0 to 20 मिनट्स आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो आपका 10 मीटर है, और नेक्स्ट 20 मिनट दैट इज 20 to 40 मिनट्स तब भी आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल है, दैट इज 20 - 10, तब भी आपका 10 मीटर डिस्टेंस है, और फॉर अनदर नेक्स्ट 20 मिनट्स 40 to 60 आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो तब भी आपका 10 मीटर ही है। तो इसमें अगर आप चेक करो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल सेम आ रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन तक उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मान लो अगर हमें पॉइंट ए टू बी तक ट्रेवल करना है, तो अगर हम कोई भी पाथ लेते हैं, मान लो हमने ये पाथ उसमें अडॉप्ट किया, तो हमारा जो डिस्टेंस बनेगा वो हमेशा हम इसका टोटल डिस्टेंस चेक करेंगे जो इसने पाथ एक्चुअली जो चल के आया। बट अगर हमें इस
फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डिस्प्लेसमेंट चेक करनी होगी तो हम इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेक करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो ये उसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। ये हो सकता है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो आए बट हमारा डिस्टेंस आपका ज़ीरो ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो आ जाए बट आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो ज़ीरो नहीं है। ये किसके केस में हो सकता है होगा, ये आपके सर्कुलर मोशंस में होगा। अगर आप सर्कुलर मोशन में चेक करो, अगर हम सर्कुलर मोशन में मान लो हम इस एक पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट तक आ जाते हैं तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये हमारा टोटल जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 2πr होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट चेक करें, डिस्प्लेसमेंट के क्या होती है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इस सर्कुलर मोशन में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है वो कोइंसाइड कर रही हैं, आपस में मिल रही है, मीट कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, जिससे हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो ही आएगी। तो इफ़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद द इनिशियल पोजीशन तो आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो आएगी। इफ़ यू कम्प्लीट वन रिवोल्यूशन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2πr। वही सर्कुलर मोशन में अगर आप डिस्टेंस चेक करोगे तो वो 2πr के बराबर आएगा बट उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। नेक्स्ट क्या है आपका, है वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड, इसमें क्या है, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद इट्स स्पीड। द क्वान्टिटी दैट स्पेसिफाइड बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो जब भी हम स्पीड को पढ़ते हैं तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट जब हम वेलोसिटी का कंसेप्ट लेके आते हैं तो वेलोसिटी हमें दो चीज़ों को डिफाइन करता है, एक तो स्पीड को भी डिफाइन करेगा और उसकी बॉडी की डायरेक्शंस को भी डिफाइन करेगा। तो दोनों एस्पेक्ट्स को कौन लेके चलेगा, कौन डिफाइन करेगा, दैट इज वेलोसिटी, स्पीड को भी और डायरेक्शन को भी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से चल रहा है और किसी पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन में चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। जैसे आपकी स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, वैसे ही आपकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म और वेरिएबल कोई भी हो सकता है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। अब आपका जो वेलोसिटी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक तो स्पीड पे और दूसरा कर रहा है आपका डायरेक्शन पे। तो अगर इसमें से कोई एक भी चेंज हो जाती है, एक भी आपकी फ्लक्चुएट हो जाएगी, एक भी आपकी वेरी हो जाएगी, तो आपकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली वेरी हो जाएगी। अगर आपकी स्पीड वेरी होगी तब भी वेलोसिटी वेरी हो जाएगा, अगर डायरेक्शन वेरी हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेरी हो जाएगी। अगर दोनों हमारे चेंज हो रहे हैं, दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं, तब भी आपकी वेलोसिटी वेरी हो सकती है। When an object is moving along the straight line at a variable speed, we can express the magnitude of it rate of uniform motion in terms of average velocity. जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी वेरिएबल स्पीड है, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हम उसको एवरेज वेलोसिटी पे मेजर कर सकते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी यूनिफॉर्म रेट पे, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट पे, तो हम एवरेज वेलोसिटी का
क्या कर सकते हैं, उसका अर्थमेटिक मीन ले सकते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. दस द इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी. तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी. वैसे हम एवरेज स्पीड कैसे चेक कर सकते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और वैसे ही आपका एवरेज वेलोसिटी आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. लास्ट में आपका आ जाता है एसेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट. जब भी आपका यूनिफॉर्म मोशन रहता है, मतलब कि जब आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो उस केस में जब स्पीड कांस्टेंट रहे या वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो आपका जो एसेलरेशन होगा उस टाइम पे ज़ीरो रहेगा. हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब आपका पहले हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, जिससे क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमेशा एसेलरेशन जो है वो आपकी ज़ीरो आएगी. बट अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, वेलोसिटी हर बार चेंज होगी एट डिफरेंट इंस्टेंट्स. द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी इंटरवल इज नॉट ज़ीरो, बट आपकी चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पक्का इवेल्युएट होगा. तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो नहीं आ सकता. एसेलरेशन इज अ मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. तो एसेलरेशन का क्या फॉर्मूला निकल के आया, एसेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी को हम डीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम टेकन दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और नीचे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम भी उसको करेंगे. तो एसेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. उसके बाद इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, देन एसेलरेशन इज कैन बी कैलकुलेटेड एज. अगर आपके पास दो वेलोसिटीज हैं, एक तो इनिशियल वैल्यू की वेलोसिटी है, इनिशियल वैल्यू है वेलोसिटी की, और दूसरी है फाइनल वैल्यू वेलोसिटी की, तो एसेलरेशन किसके बराबर आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. और इस तरह के मोशंस को हम क्या बोलते हैं, एसेलरेटेड मोशंस. अब जो आपके नेक्स्ट पॉइंट है, द एसेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड अगर आपकी एसेलरेशन आपकी हम कब पॉजिटिव लेंगे, आपकी अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो एसेलरेशन हम कब पॉजिटिव लेंगे, एसेलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन आपकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है और जो एसेलरेशन की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है. तो एसेलरेशन क्या आएगी, तब आपकी अगर वेलोसिटी और एसेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो एसेलरेशन हमारी पॉजिटिव आएगी. और अगर आपकी जो डायरेक्शन है एसेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एसेलरेशन आपकी नेगेटिव आएगी. इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है. उसके बाद क्या है, दी एसआई यूनिट ऑफ एसेलरेशन इज मीटर सेकंड इनवर्स. आपको पता है आपकी एसेलरेशन किसके बराबर होती है, ए इज इक्वल टू दैट इज वी अपॉन टी, और यू कैन से डीवी अपॉन डीटी. वेलोसिटी का यूनिट रहता है मीटर सेकंड इनवर्स. तो अगर आपको टी को भी इंक्लूड करना है तो एसेलरेशन का यूनिट क्या रहेगा, आपका मीटर सेकंड इनवर्स टू. तो ये आपका एसेलरेशन का यूनिट रहेगा. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल, देन एसेलरेशन ऑफ सेड टू बी यूनिफॉर्म.
अगर आपका जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और वेलोसिटी उसकी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है हर बार इक्वल अमाउंट्स में, तो उसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लो 2 सेकंड के इंटरवल में आपकी स्पीड 2 मीटर्स पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और नेक्स्ट 2 सेकंड में भी आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज मान लो 2 मीटर्स पर सेकंड ही हो रही है स्पीड, तो इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? क्योंकि इसमें हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी स्पीड बराबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो इसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। जो अभी मैंने एग्जांपल दी, जो आपकी फ्री फॉलिंग बॉडी है, किसी को भी अगर आप किसी बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकोगे तो इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड, ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है विद द टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और हम इसमें लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में।